हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज इस वीडियो में हम फिश की एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी देखेंगे। फिश को हम गार्लिक लेमन बटर सॉस के साथ कुक करके इस डिश को बनाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे दो फिश फिलेट्स को अच्छे से धो के पूरी तरह से ड्राई करके ली हूँ। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून नमक, हाफ मीडियम साइज के नींबू का रस डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथों के हेल्प से अच्छे से रब कर लेंगे पूरे फिश के ऊपर। अब इसे हम 15 मिनट के लिए साइड करके रख लेंगे। अब एक सेपरेट बोल में हम डालेंगे हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप पानी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इस कॉर्नफ्लावर के स्लरी को भी साइड करके रख लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं फिश को मैरिनेट करने के, तो अब गैस में एक पैन चढ़ा के उसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल जैसे ही गर्म होगा फिश फिलेट्स को इसमें डालेंगे। मीडियम फ्लेम में 3 मिनट के लिए ईच साइड को फिश के हम फ्राई करेंगे। 3 मिनट से पहले फिश को हमें बिल्कुल भी फ्लिप नहीं करने हैं। आराम से 3 मिनट के लिए एक साइड को हम फ्राई होने देंगे फिश के। एक साइड के फिश को फ्राई होने के 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे हम फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड को भी मीडियम फ्लेम में 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। दूसरे साइड को भी फ्राई करने के 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है फिश में और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो अब इसको आप एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साइड करके रख लेंगे। अब उसी सेम बचे हुए तेल में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन और इसे मीडियम फ्लेम में 3 से 4 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। लहसुन अच्छे से फ्राई होके बहुत ही अच्छा सा अरोमा आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस। प्रिपेयर किए हुए कॉर्नफ्लावर स्लरी को मिक्स करेंगे अच्छे से और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून इसमें चाय का बटर, स्वाद के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मिक्स करेंगे और सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे जब तक कि बटर पूरी तरह से मेल्ट होके इसमें बॉयल ना आ जाए। यहाँ पे ये सॉस कुक होकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता। मिक्स करेंगे, गैस के फ्लेम को लो करेंगे और फ्राई करके रखे हुए फिश फिलेट्स को डालेंगे। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में फिश फिलेट्स के दोनों साइड को सॉस के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ये फिश फिलेट्स एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। ज़रूर एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फिश के ऊपर सॉस को पोर करके सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे थोड़े से चॉप धनिए के पत्ते से। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी नए नए रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।